आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मनीषा क्रिएशन में, और मैं हूँ मनीषा। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ हेयर स्प्रे, क्योंकि आजकल जो हमारे खाने पीने के तौर तरीके हैं और जो बाहर के धूल मिट्टी प्रदूषण है, इससे हमारे जो बाल हैं बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं और हमारे बाल बहुत झड़ते हैं। जब भी हम कॉम करने जाते हैं तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ आप बिल्कुल होममेड स्प्रे, जिससे हमारे बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे और जहाँ बाल हमारे झड़ चुके हैं, स्कैल्प दिखने लगते हैं, वहाँ नए बाल भी उगना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको वीक में 2 बार इस्तेमाल करना होगा, रिजल्ट आपको खुद ही दिखाई देगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमें स्प्रे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लेंगे ये चावल। आप कोई सा भी चावल ले सकते हैं, चावल अगर टूटी फूटी हुई हो तो भी चलेगा। और हम इसको अच्छे से पानी से, सादे पानी से अच्छे से धो लेंगे। हमने चावल को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। आपको इसमें आरओ वाटर ही यूज़ करना है, जो पानी आप पीने के इस्तेमाल करते हो वही पानी इसमें डालेंगे। और हमने अब इसे चढ़ा दिया है चूल्हे के ऊपर, और इसमें हम डालेंगे 2 पैकेट ग्रीन टी। हम इसमें 2 पैकेट ग्रीन टी डाल देंगे। जब हमें लगे कि हाँ, इसने जो हमारा टी बैग है अच्छे से कलर छोड़ दिया है पानी में, तो फिर हम इस टी बैग को निकाल लेंगे। और अगर आपके पास टी बैग नहीं है, सिर्फ चाय की पत्तियां हैं, तो फिर आप उसे एक मलमल के कपड़े में बांध के भी पोटली बनाकर इस पानी में रख सकते हैं, चावल के पानी में। तो हम कलर आने तक इसको, चाय पत्ती को पानी में रखेंगे, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। गाइस, आप देख सकते हैं जो हमारा कलर है, मैं आपको थोड़ा फ्लेम कम करके दिखाती हूँ। आप देखिए कितना अच्छा कलर हो गया है। तो हम अब इस चाय पत्ती को बाहर निकाल देंगे, जो हमारा पैकेट है। हाँ बेटा, और हमें अपना जो चावल है इसे अच्छे से कुक करना है, जैसे सिंपल हम राइस बनाते हैं उसी तरीके से हमें कुक करना है, और फिर हम इस चावल को इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमारा जो है ये राइस बिल्कुल रेडी है। तो जो हमने पानी को छान लिया है, ये चावल को अलग कर दिया हमने, पानी को अलग कर लिया है बाउल में। हम इसे 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, उसके आगे का प्रोसेस हम फिर 10 मिनट बाद करते हैं। गाइस, ये पानी अब ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक स्प्रे बोतल में, देखिए इस तरह का स्प्रे बोतल लिया हमने, इसमें भर के रख देंगे इसको। इसे खोल के इसमें भर देंगे इस पानी को। तो हमने इसमें भर दिया है बोतल में, अब इसे बंद कर लेंगे। और मैं अब आपको बताती हूँ आपको इसे लगाना है कैसे अपने बालों पे। तो गाइस, मैंने अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लिया है, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें स्प्रे कैसे करना है। तो जो हमारे बालों का जो स्कैल्प होता है, हमें वहाँ पे इसे स्प्रे करना है इस तरीके से। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है हमारे बालों के लिए। आजकल जो है, जो आप खाने पीने के तरीके बोलिए या फिर धूल मिट्टी बोलिए, प्रदूषण, जिसकी वजह से हमारे बालों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने स्कैल्प पे अच्छे से स्क्रब करना है। तो गाइस, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसे वीक में 2 बार इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद लाइक 12-13 घंटे के बाद आपको अपने बालों पे हेयर ऑयल मसाज करना है, और ऑयल मसाज करने के बाद आपको 1 घंटे के बाद शैम्पू करना है। आप इसे रात में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नाइट में सोने के टाइम में आप अपने बालों पे इस तरह से स्कैल्प पे इस तरह आप स्प्रे कर दें, और फिर रात में सो जाए। आप मॉर्निंग में आप कोई भी जो भी आप ऑयल अपने बालों पे यूज़ करते हैं, उस ऑयल से मसाज कर लें अपने बालों को अच्छे से मसाज करके, और फिर 1 घंटे के बाद आप शैम्पू कर लें। तो इसे वीक में 2 बार करना है। और आप इसे एक बार बना के आप इसे 10-15 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। और अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो आप इसे 20 से 25 दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। फिर 20 से 25 दिनों के बाद आप फिर इसी तरीके से नया इस हेयर स्प्रे बनाएं और इस्तेमाल करें। तो गाइस, इस तरीके से आपको ये हेयर स्प्रे यूज़ करना है अपने बालों पर।
और बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छा है। आपको पहले वीक में ही आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। जो हमारे बाल इतने इतने हाथों में आते हैं कॉम करते समय, हेयर वॉश करते समय, वो आपका बिल्कुल बंद हो जाएगा। आप इसे वीक में ज़रूर इस्तेमाल करें दो बार। और मुझे मेरे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो को जितना हो सके आपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।